आज हम बात करेंगे गन्ने के कीट कुनगा या टॉप बोरर के बारे में। यह कीट हमारे गन्ने को टूड़ी या लार्वा अवस्था में नुकसान पहुंचाता है। इस कीट की पहचान करने के लिए अगर आप अपने खेत पर देखेंगे तो गन्ने की पत्ती पर लाल व काले छिद्र व धब्बे व पत्ती पर लाल लकीर दिखाई देगी, इससे यह रोग आपको प्रतीत होगा। अब हम बात करेंगे इस रोग का नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले आपको अपने खेत पे जाना है और फिर देखना है, जो भी रोग ग्रसित पौधा आपको नजर आए उसको जड़ से धारदार हसिया से काट कर खेत से कहीं दूर जाकर उसको नष्ट कर दे रहा। अब बात कर लेते हैं कीटनाशक की। हम किस कीटनाशक का उपयोग इसमें कर सकते हैं? टेक्निकल नाम उसका होना चाहिए क्लोरोटानी लिप्रोल। जैसे कोराजन की बात करते हैं जो कि बहुत ही प्रचलित है, उसके बाद आता है सिप्रोल और कार्ट ऑफ आता है और बायर का कॉन्फेडर आता है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होते हैं, जो कि मार्केट में अलग अलग कंपनियों के नाम से अलग अलग प्रकार से उपलब्ध रहते हैं और अलग अलग प्राइस पर भी उपलब्ध रहते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है जिसमें क्लोरोटानी लिप्रोल 18.5% होना चाहिए उसी का आपको प्रयोग करना है। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रयोग की। 150 ml कोराजिन को 400 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव करना रहता है और उसके तुरंत बाद आपको सिंचाई करनी है जिससे हमारी फसल सुरक्षित रह सकती है। सिंचाई के 2 दिन बाद कम से कम 50 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उर्वरक के रूप में अपनी फसल में देना है, जिससे हमारी फसल सुरक्षित रह सकती है और रोगों से बच सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।